नमस्कार किसान मित्रों, मैं जैसे कि आज आप सभी को प्राकृतिक खेती के बारे में जीवामृत बनाने की जानकारी देता हूं। जैसे कि ये हमारे पास देसी गाय का दो किलोग्राम देसी गाय का गोबर है, और इसके अलावा ये हमारे पास जो है ये देसी गाय का गोमूत्र, वह ये 200 ग्राम देसी गुड़ है, ये है दलहन का आटा जैसे कि 200 ग्राम बेसन। इसके अलावा ये हमने एक बड़े पेड़ के नीचे वाली मिट्टी लाई है, और मैं अभी आपको इसके बारे में जानकारी देता हूँ। जैसे कि प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत बनाना बहुत ही लाभदायक है, और हम इसी प्रकार की ही खेती करते हैं। ये लीजिए, ये मैं देसी गाय का गोबर, ये है 40 लीटर पानी हमारे पास, और इसमें हम ये 202 किलोग्राम देसी गाय का गोबर मिला रहे हैं। जैसे कि ये दो किलोग्राम जो है देसी गाय का गोबर इसमें डाल रही है। ये 2 किलोग्राम देसी गाय का गोबर इसमें हमने डाल दिया। अब इसमें डालेंगे हम देसी गाय का गोमूत्र 2 लीटर। ये रहा 2 लीटर देसी गाय का गोमूत्र। इसके बाद हम इसमें डालेंगे ये रहा 200 ग्राम देसी गुड़। जैसे कि देसी गुड़ डालने से हमारी उपजाऊ भूमि जो है बहुत अच्छी हो जाती है, इसमें उर्वरकता आती है, और हमारे जीवाणु जो मित्र जीवाणु है किसानों के, वो ज़्यादा मात्रा में पैदावार हो जाती है उनकी, और किसानों के लिए बहुत लाभदायक होते हैं। ये रहा बेसन का आटा 200 ग्राम, ये भी इसी में डाल देंगे। जैसे कि हमारी सरकार का कहना है कि जो भी हमारे जो ये खाद खेतों में डाली जाती है यूरिया इत्यादि, वो ठीक नहीं है, हमारे लिए वो हानिकारक है और बीमारी पैदा होती है इससे, और हमारी ज़मीन भी कठोर से कठोर होती जाती है। तो इसीलिए हमारी सरकार का ये कहना है कि हम देसी अपनी प्राकृतिक खेती के लिए जीवामृत बनाते हैं। तो ये जीवामृत तैयार हो गई है, और इसे हम अब एक छड़ी से सुई के आकार घुमाकर सुबह शाम 2 टाइम घुमाते रहेंगे। जैसे कि ये पहाड़ों में जैसे जहाँ पर ठंडा वातावरण होता है वहाँ पर ये 3 दिन से लेकर हफ्ता भर तक रखते हैं, और गर्मियों में 3 दिन में ये तैयार हो जाती है। तो सर्दियों में ये हफ्ता से लेकर 14 दिन तक भी तैयार होती है, और जैसे ही ये तैयार हो जाती है इसके ऊपर झाग आना शुरू हो जाती है तथा इसकी खुशबू से पता चलता है कि ये तैयार हो गई है। जैसे कि ये पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसका छिड़काव 2 सप्ताह भर तक हम अपने खेतों में कर सकते हैं, किसी जग के द्वारा या किसी बर्तन के द्वारा या मशीन के द्वारा भी कर सकते हैं। जैसे कि ये पूरी तरह से तैयार हो जाने के बाद इसको एक कपड़े पर छान कर अपनी स्प्रे मशीन में डालकर भी इसका प्रयोग कर सकते हैं हम अपने खेतों में, और बहुत अच्छी पैदावार होती है। तो मैं आज आप सभी को शिक्षित करता हूं कि और आपने ये इस यंत्र को देखना है, और इसी प्रकार से ये जीवामृत को बनाना है तथा अपने खेतों में इसका छिड़काव करना है। धन्यवाद।